तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाजवाब वाली वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप लोग पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो। और यहाँ पर इनकम की बात करें तो यार, आप लोग इस एक मात्र वेबसाइट से आप लोग डेली $100 तक की इनकम कर सकते हो, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उतनी ज़्यादा की हम लोग बात नहीं करेंगे यार। इतने में ही आप सभी को हो सके तो मुझ पे ट्रस्ट नहीं हो रही होगी, लेकिन इसलिए कहता हूँ यार, वीडियो के साथ एंड तक बने रहो, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे ही आप लोग तुरंत से कमेंट कर दोगे कि भाई $100 एक दिन में, तो यार तू क्यों नहीं कर लेता, है ना। तो ऐसी मतलब जो रियलिटी होती है वो मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलो, आज मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन और 100% रियल वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज हम जिस वेबसाइट की बात करने वाले हैं उसका नेम है रिस्पोंडेंट, ठीक है। और इस वेबसाइट पर आप लोग पार्ट टाइम इनकम के थ्रू डेली के $100 तक की इनकम कर सकते हो, ठीक है। तो मंथली आप लोग कैलकुलेट कर लेना, अगर आप लोग कैलकुलेट कर पाते हो तो कर लेना, ठीक है यार। सिंपल सी मैथ है, ठीक है। वैसे मैं मैथ में उतनी ज़्यादा मतलब टैलेंटेड नहीं हूँ, ठीक है। चलो, वो तो बात की बात है। अब यहाँ पर हम अर्निंग की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे को रजिस्ट्रेशन करनी होगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा लॉन्ग है और वो मैं आगे आपको बताऊँगा, वीडियो के साथ बस बने रहो, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पर अर्निंग की बातें कर लेते हैं, ठीक है। सो देखो, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप लोग पार्ट टाइम इनकम कर सकते हो, और यहाँ पर आप सभी को प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और उन पे काम करना होता है, और उसके बदले में आप सभी को रिवॉर्ड्स मिलते हैं। देख सकते हो यहाँ पर 15 of 38 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट में क्या क्या जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। 6 days ago यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को अपलोड किया गया है। फिर यहाँ पर 60 मिनट की ये प्रोजेक्ट है। 60 मिनट मतलब आपको लगेंगे ये प्रोजेक्ट को करने में, एंड यहाँ पर आपकी $50 की इनकम होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं रियली में आप मेरा यकीन मानो, ठीक है। फिर यहाँ पर 1-on-1 ये प्रोजेक्ट चलने वाली है, मतलब 1-to-1 आपको जो प्रोजेक्ट वाला बंदा है उसके थ्रू आपको जवाब देने होंगे। कुछ चीज़ें पूछती हैं तो उनका आंसर देना होगा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से 1-on-1 ये प्रोजेक्ट होगी, एंड रिमोट प्रोजेक्ट है तो आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक लोकेशन होनी चाहिए, वहाँ पर जाकर आप करो, ठीक है। तो ये रिमोट है, मतलब कहीं से भी कर सकते हो। एंड उसके अलावा यहाँ पर आप लोग और भी देख सकते हो, कम रिवॉर्ड्स वाले भी हैं। और इसमें देख सकते हो 9 days ago ये पोस्ट की गई है, और यहाँ पर 15 मिनट की ये जो है टाइम लगने वाली है। यहाँ पर अप्रोक्स टाइमिंग बताई जाती है, मेरे ख्याल से उतने से थोड़ा ज़्यादा ही लग सकती है। एंड ये भी 1-on-1 होने वाली, ये भी रिमोट है। एंड प्रोजेक्ट में क्या करना होता है ये भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। ये सब अभी लॉक्ड है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थी, लेकिन चलो 2-3 भी हैं तो वो भी मैं आपको दिखा देना चाहूँगा। देखो यहाँ पर आप सभी को करना क्या होता है, सिंपली जो भी प्रोजेक्ट पर काम करना होता है वो यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट कर लोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो ये बोले जा रही है, डू यू लिव इन लैटिन अमेरिका एंड यूज बिजनेस बैंकिंग एप्स, तो इसके रिगार्डिंग ये प्रोजेक्ट होने वाली है। एंड अगर आप अमेरिका से नहीं हो तो शायद आप इस प्रोजेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। और ये रिमोट है, ये आप लोग सोच रहे हो कि यार रिमोट लिखा हुआ है तो आपने तो बोला कि यहाँ पर कहीं से भी कर सकते हो, तो रिमोट का मतलब ये है कि आप मतलब इंडिया में भी हो, लेकिन अगर आप अमेरिकन हो मतलब और वहाँ के बैंकिंग एप्स मतलब यूज करते हो किए हो तो उसके लिए हो सकती है, ठीक है। तो मेरी बातों को समझो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सिंपली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बोली जा रही है कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हो। पल्स इज अ रिसर्च प्लेटफॉर्म फॉर पीपल हु वांट टू सी हाउ द बेस्ट फाइनेंस एप्स आर मेड, रिकॉर्ड एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस विथ अस बोथ द गुड एंड द बैड, एंड वी कैन हेल्प योर बैंक टू बिल्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स विथ यू इन माइंड। सो गाइज, यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट है इसमें बताई जा रही है कि ये एक मतलब रिसर्च की प्लेटफॉर्म है पल्स, और उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट है ये मतलब क्या करते हैं कि जो फाइनेंस जो एप्स होते हैं, बिजनेस एप्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग ये लोग सर्वे कराते हैं, ठीक है। और लोगों की ओपिनियन लेते हैं कि आपको कैसी लगी, फीडबैक लेते हैं, ठीक है। वो बिजनेस एप्स या फिर फाइनेंस के एप्स कैसी लगी लोगों को,
उनकी फीडबैक जानना चाहते हैं, अच्छा है या बुरा, एंड उसके बाद वो लोग उसके अनुसार जो बैंक की जो फीडबैक होती है जो ऐप्स के रिगार्डिंग, वो ऐप्स में कुछ भी गलत पाई जाती है फीडबैक में, तो वो लोग उन पर सुधार करते हैं। तो कुछ इस प्रकार के यहाँ पर ये सर्वे की तरह यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट है। सिंपली क्या करना होता है कि इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है इस पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये हम प्रोजेक्ट पे आ चुके हैं। अब देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल्स हमें देखने को मिल जाएंगी, कब पोस्ट की गई है, कितने मिनट की है, 1 on 1 रिमोट, और 10 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेसिकली लिखा क्या है, डू यू लिव इन लैटिन अमेरिका, वही चीज़ें हैं जो शुरू में थी, ठीक है। सिंपली स्टार्ट स्क्रीनर पर हम लोग करेंगे क्लिक, एंड उसके बाद देखो यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगी जा रही है, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोले जा रही है डू यू स्पीक इंग्लिश, यस हम लोग कर देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर व्हाट कंट्री डू यू लिव इन, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं अपना प्यारा इंडिया, सो यहाँ पर कर देते हैं इंडिया, भले ही हमारे लिए प्रोजेक्ट हो या ना हो हम कर देते हैं इंडिया, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो पूरे क्वेश्चन लिखे हुए हैं इन्हें आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है, एंड पढ़ लेना और उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। ये मेरी आपसे मतलब रिकमेंडेशन रहेगी, पढ़कर बिना पढ़े आप लोग अगर करोगे तो कहीं पे भी रिजेक्ट कर दिए जाओगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इसे पढ़ लेता हूँ एंड उसके बाद करता हूँ। सो यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को पढ़ लिया है एंड उसके बाद ओके गोट इट पर कर दिया क्लिक एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर कर दिया क्लिक। फिर बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हैं एंड यहाँ पर बोली जा रही है बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर एक लिंक दी गई है और यहाँ पर बोली जा रही है यू कैन चेक आउट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी डू दिस हेयर। सो यहाँ पर आप लोगों को मैं फिर से बोलना चाहूँगा कि आप लोग पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है, जो लिखे हुए हैं मैं अभी बता रहा हूँ, तो इसलिए यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगी, तो इसलिए अभी मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाकर नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिए। इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड योर डिवाइस वी विल नीड टू नो वेदर यू यू ए मैक और पीसी, यहाँ पर पूछी जा रही है। चलो यहाँ पर हम पीसी कर देंगे, मैक का औकात नहीं है भाई। डू यू यूज एन आईफोन और एंड्रॉयड, एंड्रॉयड का ही औकात है भाई, आईफोन का नहीं। डू यू हैव अ बिजनेस, चलो यहाँ पर यस कर देंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कर देंगे। एंड उसके बाद प्लीज़ प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ ऑल द बैंकिंग फाइनेंस एप्स यू करेंटली यूज, स्पेसिफाइंग वेदर दे आर बिजनेस और पर्सनल। सो जो भी आप यहाँ पर फाइनेंस या फिर बैंकिंग के ऐप्स यूज करते हो वो यहाँ पर पूछी जा रही है, तो आप यहाँ पर एंटर कर देना, ठीक है, अपने हिसाब से जो मतलब करना चाहो, ठीक है। और हाँ यार आपको मैं ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर ये एंटर कर देना, क्योंकि यार आपको प्रोजेक्ट अलग से मिल सकते हैं और ये प्रोजेक्ट मेरे में जो है वो अलग है, ठीक है, तो प्रोजेक्ट सेम टू सेम नहीं होगी। तो चलो यहाँ पर मैं कोई बैंक के नेम डाल देता हूँ और फाइनेंस की कोई ऐप्स का नेम डाल देता हूँ, ठीक है। सो गाइस मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगा एंड वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया, कुछ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल ऐप्स नेक्स्ट यहाँ पर कर दिए। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो और भी क्वेश्चंस पूछे जा रही हैं, चलो यहाँ पर हम ओके कर देते हैं एंड यहाँ पर देखो इस पर पढ़ लेते हैं लास्ट टाइम क्या लिखा हुआ है। दिस ब्रीफिंग डॉक्यूमेंट्स एक्सप्लेन अ बिट मोर अबाउट 1 1FS एंड व्हाट वी डू, ये यहाँ पर लिंक में बताई जा रही है, ठीक है, आप लोग लिंक के थ्रू विजिट करके समझ लेना कि क्या चीज़ से रिलेटेड है ये प्रोजेक्ट। फिर अल्टरनेटिवली यू कैन विजिट अवर वेबसाइट और वेबसाइट का लिंक टू चेक अस आउट यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। तो इनके बारे में जानकारी लेने के लिए ये लिंक हमें दी जा रही है, सबमिट पर कर देंगे क्लिक एंड उसके बाद दैट्स इट, योर स्क्रीनर हैज़ बिन सबमिटेड, योर स्क्रीनर एंड प्रोफाइल विल बी इवेल्यूएटेड। यार इंग्लिश उतनी अच्छी तरह से मैं नहीं बोल पाता हूँ तो यार माफ़ करना, ठीक है, बाई अ रिसर्चर। इफ़ यू आर अ फिट रिसर्चर विल बी इन टच टू कोऑर्डिनेट योर पार्टिसिपेशन, ठीक है। तो बेसिकली देखो गाइस यहाँ पर बोली ये जा रही है कि हमने जो 10 क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पर दिया है अब उन पर रिसर्च की जाएगी, ये लोग चेक करेंगे कि हम लोग फिट बैठते हैं इनकी प्रोजेक्ट के हिसाब से या नहीं, अगर फिट बैठेंगे तब ये लोग हमें प्रोजेक्ट देंगे और हम लोग उस पर काम करेंगे और $25 की मे भी प्रोजेक्ट थी, ठीक है, तब वहाँ पर हमें वो प्रोजेक्ट को करने का काम मिल जाएगा, ठीक है, और 1 to 1 प्रोजेक्ट चलेगी एंड उसके बाद अगर हम लोग अच्छी तरह से क्वालिफाई कर जाते हैं तब हमें उसका रिवॉर्ड मिल जाता है, ठीक है। आप लोग ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 10 क्वेश्चन का आंसर दिया तो ये ऐड हो गया मेरा
ठीक है, इतना इजी नहीं होता है। और अभी तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अप्लाई किया, समझ लो एक एप्लीकेशन मैंने दिया कि भाई मैं भी हूँ, मैं भी मतलब कर सकता हूँ प्रोजेक्ट में काम। तो अभी ये लोग रिसर्च करेंगे एंड उसके बाद ये लोग मुझे इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ आप एलिजिबल हो प्रोजेक्ट के लिए, तो वो प्रोजेक्ट मुझे मिलेगा, उससे मैं कंप्लीट करूँगा अच्छी तरह से, तब तो मुझे रिवॉर्ड मिल जाएगा $25 का। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार की सिस्टम होती है। अब ब्राउज मोर प्रोजेक्ट्स पर कर दिए क्लिक, तो देखो यहाँ पर ये प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं फिर से जो हम लोग शुरू में देखे थे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर आप लोग फिल्टर लगाना चाहो तो फिल्टर लगा सकते हो, एंड यहाँ पर जो भी हाईएस्ट इंसेंटिव, शॉर्टेस्ट टाइम, ये सारे भी फिल्टर लगा सकते हो। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अभी ये क्लोज्ड है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग इन पे चेक करते रहना, ये जब ओपन होगी तो आप देख लेना उन पे भी विजिट करके, अगर आपके हिसाब से प्रोजेक्ट सही लगे तो। ठीक है, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो। फिर यहाँ पर देखो फिल्टर लगाने के लिए एक और यहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं, यहाँ पर रिवॉर्ड्स एंड टाइमिंग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो फिल्टर में, कि कितने रिवॉर्ड्स का यहाँ पर आपको चाहिए और कितने टाइम का यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ये सारी चीज़ें, एंड इन पर्सन वाले प्रोजेक्ट चाहिए मतलब ऑफलाइन प्रोजेक्ट, तो वो भी यहाँ पर टिक कर सकते हो। रिमोट प्रोजेक्ट चाहिए सिर्फ, तो रिमोट पे सिर्फ टिक कर सकते हो। ऑडियंस, इंडस्ट्री, प्रोफेशनल और जनरल पॉपुलेशन, कैसे मतलब फिल्टर लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के लिए प्रोजेक्ट चाहिए या फिर जनरल पॉपुलेशन के लिए, ये भी यहाँ पर आप फिल्टर लगा सकते हो अपने हिसाब से, ताकि आपके फिल्टर के हिसाब से मिले यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर मोस्ट रिलेवेंट कर दिए हमने, एंड यहाँ पर चलो ये प्रोजेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आप सभी को ये स्क्रीनर पहले भेजना होता है क्वेश्चंस का आंसर देकर, एंड उसके बाद हम उनके लिए अगर एलिजिबल होंगे तो ये लोग हमें कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, एंड उसके बाद हमारी प्रोजेक्ट चलती है एंड फिर हमें रिवॉर्ड मिलते हैं। एंड रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। यहाँ पर जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम देखा कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स थे वो किसी में $100, किसी में वो $150, इस प्रकार से भी रिवॉर्ड्स थे। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग इजीली अर्न कर लोगे उतने, आपको मेहनत भी करना होगा, टाइम भी उसमें लगेंगे वो प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके माध्यम से यहाँ पर आपकी अर्निंग होती है, और यहाँ पर जो आपको पेमेंट मिलेगी वो पेपल के थ्रू मिलेगी। ठीक है, एंड मिनिमम विड्रॉवल की लिमिट वगैरह ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है यहाँ पर, जो पेमेंट मिलेगी डायरेक्ट आपके पेपल अकाउंट पे मिल जाएगी, जो भी टास्क कंप्लीट करते हो उसका रिवॉर्ड। ठीक है, और चलो यहाँ पर अब मैं आपको रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी बता देता हूँ। ठीक है, उसके लिए गाइज यहाँ पर सबसे पहले मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, मैं लॉग आउट कर लिया हूँ, एंड लॉग आउट कर लेने के बाद यहाँ पर एक और टैब मैंने ओपन कर रखा था, रिफ्रेश कर लेते हैं इसे। तो यहाँ पर देखो मैंने इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस वेबसाइट पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, एंड ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से ही आप इसे एक्सेस कर सकते हो, आप मोबाइल फ़ोन से ही काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोबाइल कंप्यूटर जो भी है उन सभी के थ्रू आप लोग काम कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस देखने को मिल जाएगी। सिंपली यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखो क्रिएट न्यू का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर ये एक लिंक है, इस पर क्लिक करोगे तो आगे का स्टेप ओपन हो जाएगा। देखो यहाँ पर डोंट हैव एन अकाउंट, क्रिएट अ न्यू, इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को अकाउंट क्रिएट करने के लिए कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जैसे फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, एंड उसके बाद अपना ईमेल एड्रेस, एंड उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है छोटी सी स्टेप, एंड उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर आपके सामने आएगी वो ये है। यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम तो ऑटोमेटिक फिल किया हुआ मिल जाएगा, एंड ईमेल एड्रेस भी फिल किया हुआ मिल जाएगा क्योंकि पिछले वाले डेटा के हिसाब से ये लोग फेच कर लेते हैं। फिर पासवर्ड आपको एक सेट करना होगा, एंड फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना होगा, एंड मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर आप सभी को तुरंत से OTP वेरीफाई भी करनी होती है। यहाँ पर गेट कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, मोबाइल नंबर एंटर करोगे तो। ठीक है, एंड OTP वेरीफाई भी हो जाएगी, तो फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डाल देना है एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार की देखने को मिलेगी, डिटेल्स आपको ये सारे डालने हैं, ये डेमोग्राफी के अंदर है। अभी यहाँ पर चार स्टेप हमें टोटल कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जेंडर एंटर करना, फिर एथनिसिटी, फिर व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन यू हैव कंप्लीटेड, फिर व्हाट इज़ योर हाउस होल्ड इनकम, ये सारे डिटेल्स डालने हैं। एथनिसिटी अगर आपको नहीं पता है तो एशियन, इंडिया से हो तो एशियन आपको डालना होता है। ठीक है, और जो भी हो आप
अगर एशियन नहीं हो, यूरोपियन हो या फिर कोई और, तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। तो ये जब आप लोग कंप्लीट कर लोगे तो उसके बाद यहाँ पर आप सभी को नेक्स्ट स्टेप पे देखने को मिल जाएगा, सेकेंड टू वाली लोकेशन, गेट मैच्ड विथ प्रोजेक्ट्स इन योर लोकेशन, यहाँ पर ये बोले जा रही है, ताकि आपकी लोकेशन के हिसाब से भी प्रोजेक्ट मैच करें। इसलिए यहाँ पर एंटर योर सिटी, अपनी सिटी एंटर करके कंटिन्यू पर क्लिक कर देनी होती है, ठीक है। एंड उसके बाद ये भी यहाँ पर हमारा लोकेशन का काम कंप्लीट हो जाता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर थर्ड स्टेप आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर व्हाट मतलब सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब्स योर एम्प्लॉयमेंट होगी आगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आपकी एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी है वो डाल देनी होती है, ठीक है। तो जो भी वो आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाएंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करोगे तो वो ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है प्लीज़ ऐड अप टू 5 इंडस्ट्रीज दैट आर एप्लीकेबल टू यू, तो कुछ 5 इंडस्ट्रीज यहाँ पर डाल देना है। ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो कोई भी इंडस्ट्रीज जो आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें इंटरनेट हो गया, सोशल मीडिया हो गया, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज के ऑप्शंस मिलते हैं, तो आपको अपनी पसंदीदा इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि उनके बेसिस पे मे भी आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है। एंड स्टार्ट टाइपिंग टू सिलेक्ट एंटर स्किल, तो वो अपनी स्किल यहाँ पर चूज करनी होती है, ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सभी को मिल जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन सिलेक्ट करने को। एंड उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर आप सभी को और भी डिटेल्स डालने के लिए बोल जाती है। यहाँ पर देखो विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज बेस्ट डिस्क्राइब योर एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, तो वो पीछे वाले ही टाइप की है, ठीक है। एम्प्लॉयड वर्किंग फुल टाइम यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया हुआ है। एंड उसके बाद प्लीज़ ऐड अप टू 5 इंडस्ट्रीज दैट आर एप्लीकेबल टू यू, तो पिछले वाले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था वही उसी की तरह है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम। एंड नेक्स्ट जो है वो चेंज हो चुकी है, व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ सीनियरिटी, मतलब कंपनी में जो आप काम करते हो क्या हो, मतलब स्टाफ हो या फिर मतलब सुपरवाइजर हो, कंपनी की सीईओ हो, वो आपको यहाँ पर एंटर करने के लिए बोल जाती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कंपनी यू वर्क फॉर, यह कंपनी का नाम पूछा जा रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स मोस्ट क्लोजली मैचेस यू, वो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू मिल जाएगी, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ठीक है, जो भी आपके हिसाब से सुटेबल हो। डू यू हैव अ वर्क ईमेल एड्रेस, अगर आपके पास ईमेल एड्रेस है तो यहाँ पर डाल देना, ठीक है। एंड उसके बाद इन अ फ्यू वर्ड्स डिस्क्राइब योर रोल एट वर्क, आपका रोल क्या है जहाँ पर आप काम करते हो, जो भी कंपनी में ऑफिस में, तो अपना रोल के बारे में यहाँ पर बताना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद व्हाट इज़ द साइज ऑफ योर कंपनी, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज यहाँ पर पूछी जा रही है, तो जितने भी एम्प्लॉयज आपकी कंपनी में काम करते हैं वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टार्ट टाइपिंग टू सिलेक्ट एंटर अ स्किल, यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है, तो यहाँ पर भी आपको वही चीज़ें डाल देनी है जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन पे बताया था, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलेगी तो उसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना अपने अनुसार, ठीक है। यहाँ पे अभी तो मैं स्क्रीन शॉट के माध्यम से समझा रहा हूँ, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू तो मैं क्लिक कर नहीं सकता, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट ऑप्शन पर हमने किया क्लिक। एंड उसके बाद देखो वही चीज़ें हैं, ठीक है, और वही वाली क्वेश्चन है, और देखो एंटर अ स्किल वाला, तो यहाँ पर भी आप लोग कंटिन्यू कर दोगे। एंड उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप ओपन होकर आ जाएगा, जो कि लास्ट स्टेप है और फोर्थ स्टेप है, जो कि है पेमेंट की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दिस इज हाउ यू गेट पेड, यहाँ पर आप सभी को पेपल का ईमेल एड्रेस डालकर कंटिन्यू कर देना होता है, क्योंकि पेपल के थ्रू ही आपको पेमेंट्स मिलते हैं। और मैंने जैसा कि बोला कि ऑटोमेटिक पेमेंट आपको कर दिए जाते हैं प्रोजेक्ट अगर आप कोई भी कंप्लीट कर लेते हो तो, ठीक है। पेपल का ईमेल एड्रेस डालकर कंटिन्यू कर देना, और जो पेपल अकाउंट आपकी है वो वेरीफाइड होने चाहिए, KYC वेरीफाइड, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, तो देखोगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कोड ऑफ कंडक्ट एग्रीमेंट, यहाँ पर जो सारी चीज़ें हैं वो लिखी हुई मिल जाती हैं, आप लोग इन्हें पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ठीक है। एंड उसके बाद कंप्लीट पर क्लिक कर दोगे तो नेक्स्ट आपको कुछ इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, मतलब इंट्रोडक्शन इस कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से करना है। एंड उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो फिर यहाँ पर देखो आपको आपकी इंटरेस्ट पूछी जाएगी, मतलब जिस टाइप के आप प्रोजेक्ट्स चाहते हो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो, ताकि आपको वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में मज़ा भी आए। मतलब कोई भी ऐसा जैसे ऑटोमोबाइल्स एंड व्हीकल्स वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, और उसके रिगार्डिंग अगर आपको प्रोजेक्ट मिल जाए और प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने जाओ, तो आपको उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, कुछ नॉलेज नहीं है, तो आप प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो आपकी जो भी इंटरेस्ट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिस चीज़ में देखो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, होम एंड गार्डन, फूड एंड ड्रिंक, खाने में भी इंटरेस्ट है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंस, फैमिली एंड रिलेशनशिप्स, गेम्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो आप अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना इंटरेस्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखो आपका जो अकाउंट है ये क्रिएट हो जाता है सक्सेसफुल, लेकिन अब यहाँ पर आपको अपना जो ईमेल एड्रेस है वो वेरीफाई करने की ज़रूरत होती है। जिस ईमेल के थ्रू यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा उस ईमेल पर एक वेरीफिकेशन लिंक सेंड की जाएगी और उस लिंक पर क्लिक करके वेरीफिकेशन कर लेना है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर अकाउंट कुछ इस प्रकार से हमारा ओपन हो जाता है। एंड यहाँ पर देखो टास्क भी देखने को मिल जाते हैं, सॉरी प्रोजेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। तो जब मैंने रजिस्ट्रेशन किया था उस टाइम का है यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट, और देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी अवेलेबल थे, $30 के, फिर $50 के, फिर $50 के, तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स उस टाइम अवेलेबल थे। तो यार प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, प्रोजेक्ट्स रेगुलरली आपको मिलते रहते हैं, और अगर आप अच्छी तरह से कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर आप लोग अर्निंग भी अच्छी खासी कर लोगे, ठीक है। सो गाइस ये रही हमारी आज की एक बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट, और इस वेबसाइट के माध्यम से आप लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी इनकम कर सकते हो। अगर आप में थोड़ी सी स्किल है तो यहाँ पर इनकम बहुत ही अच्छी खासी हो सकती है। यार उतनी ज़्यादा स्किल की भी ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पर आप कोई वेब डेवलपर होने चाहिए या फिर वेबसाइट डिज़ाइनर या फिर ग्राफिक डिज़ाइनर आपको होना है तब जाकर यहाँ पर आप अर्निंग कर पाओगे, ऐसा भी नहीं है। प्रोजेक्ट्स आपने जैसा कि देखा यहाँ पर प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे मिलते रहते हैं, ठीक है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट है उनके हिसाब से यहाँ पर प्रोजेक्ट्स में एंटर कर सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो एंड अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट 100% रियल है, जेन्युइन है एंड लोग यहाँ पर अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को इसी प्रकार की ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड जेन्युइन वीडियोज मिलते हैं। तो मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।